पाकिस्तान से एग्रीकल्चरल सेक्टर टू जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर की तो इसके आप कह लें डिफरेंट सब सेक्टर्स हैं जिसमें आपके पास क्रॉप्स भी आती हैं लाइफ स्टॉक भी आती है फिशरी भी आती है एंड फॉरस्ट्री भी, भी जब आप क्रॉप्स की बात करते हो फॉर कैरी आउट कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप्स इट रिक्वायर्स लैंड और जब हम लैंड की डिस्कशन करते हैं तो यहाँ पे हम कह लें हम लैंड को कैटेगराइज कर सकते हैं अंडर सब हेडिंग ऑफ क्रॉप एरिया टोटल एरिया कल्टीवेटेड पीस ऑफ द लैंड दैट इज नॉट यूज फॉर कल्टीवेशन इन दिस पर्टिकुलर ईयर और आप कह लें पिछले साल तो आपने उसको यूज किया था टू कैरी आउट कल्टिवेशन लेकिन इस साल आपने उसको प्लो तो किया बट डू नॉट यूज दैट पीस ऑफ लैंड टू कैरी आउट एनी कल्टिवेशन जी जब आप क्रॉप एरिया की बात कर रहे हो तो ये बेसिकली इज द पीस ऑफ लैंड दैट इज यूज टू कैरी आउट सर्टन कल्टिवेशन अब इस जब आप कल्टीवेशन की बात कर रहे हो देन आर सर्टन पीस ऑफ लैंड दैट इज यूज टू कैरी आउट मोर दैट इज यूज टू प्रोड्यूस मोर देन वन क्रॉप जब हम उसको कहते हैं कि सर्टन पीस ऑफ लैंड इज यूज टू प्रोड्यूस मोर देन वन क्रॉप तो हम उसको कहते हैं कि हेयर एरिया सोन इज मोर देन वंस और यहां पे जो आपके पास लेजेंड है इसमें जो आपके पास येलो कलर की लाइन है दैट इज यूज टू डिपेक्ट दौन मोर देन वंस। अगर हम हिस्टोरिकली इस डेटा के रेफरेंस में बात करें तो हम देख सकते हैं देयर इज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन में तो ये 5.71 मिलियन हैक्टेयर्स था लेकिन इन 2021 22 टू ये मेरे पास 8.3 मिलियन हेक्टेयर्स था और जो आपके पास करंट फॉलो के रेफरेंस में अगर हम बात करूं तो यहाँ पे आपके पास डेटा कुछ फ्लक्चुएशन शो कर रहा है कि यहाँ पे कुछ आप कह लें सिकलिकल टाइप मूवमेंट है इन 1990 ये था आपके पास 4.85 मिलियन हेक्टर्स और इन 2021 और 22 के टाइम पीरियड में ये ये है तकरीबन 6.8 मिलियन हेक्टर्स फिर जब आप कल्टीवेटेड लैंड की बात करते हो तो कल्टीवेटेड लैंड इज बेसिकली दैंड जिसमें हम बात करते हैं कि एरिया वेयर लैंड वेयर लैंड इज यूज टू कैरी आउट वन क्रॉप टू कैरी आउट एटलीस्ट वन क्रॉप प्लस साथ में क्या है कि जी जो आपके पास करंट फॉलो एरिया है जब हम दोनों को एग्रीगेट करेंगे तो ये मेरे पास रिपोर्ट करेगा कल्टिवेटेड एरिया को कि आप इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हो दिस इज टोटल एरिया दैट इज अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन लेकिन जब आप एक कल्टीवेटेड एरिया को मोर देन वंस यूज कर रहे हो तो आपका क्रॉप एरिया कल्टीवेटेड एरिया से कुछ ज्यादा हो जाते हैं क्या इवन अगर, अगर आप बात करो 2021 ट्वेंटी ट्वेंटी में कल्टीवेटेड एरिया इज अप्रॉक्सीमेटली ट्वेंटी फाइव मिलियन हेक्टर्स लेकिन जब आप क्रॉप एरिया की तरफ देखते हो तो ये मेरे पास ट्वेंटी थ्री पॉइंट नाइन मिलियन हेक्टर्स है इसमें रीजन क्या बनती है कि क्रॉप एरिया इज ग्रेटर देन टोटल कल्टीवेटेड एरिया दैट इज कल्टीवेशन ऑफ कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप इज सर्टन एरिया वेयर क्रॉप मोर देन अब अगर हम बात करें हाउ मच एरिया इज यूज टू कैरी आउट डिफरेंट क्रॉप तो यहां पर जो मेरे पास वीट है दिग्निफिकेंट सबसे ज्यादा शेयर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड का यूज हो रहा है फॉर कल्टिवेशन दैट इज फॉर वीट और उसके बाद अगर हम ये सारी डिस्कशन करें ट्वेंटी टू तो वीट के लिए सबसे ज्यादा एरिया यूज किया गया फॉर कल्टिवेशन उसके बाद मेरे पास राइस के लिए यूज किया गया लैंड एरिया यूज किया गया फॉर कल्टीवेशन और जो सबसे कम एरिया यूज किया गया मेजर क्रॉप के रेफरेंस में तो वो मेरे पास थी अगर हम हिस्टोरिकली एक इस डेटा को एनालाइज करें तो हम एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो मेरे पास क्रॉप्ड एरिया था स टू कॉटन ओवर टाइम ये एक डिक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है यह था अराउंड आप कह लें टू टू मिलियन हेक्टेयर्स आप कह लें टू पॉइंट फाइव मिलियन हेक्टेयर लेकिन जब आप बात कर रहे हो इन ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ये मेरे पास हो गया अराउंड अप्रोक्सीमेटली वन पॉइंट नाइन मिलियन हेक्टेयर्स फिर इसी पैटर्न पे अगर हम बात कर लें विद रेफरेंस टू मेज तो हिस्टोरिकली क्या हो रहा है कि इज इंक्रीज इन एरिया ऑफ मेज 1990 और 91 के टाइम पीरियड में ऑलमोस्ट इक्वल एरिया इज यूज सेम इक्वल एरिया इज यूज टू कैरी आउट कल्टिवेशन ऑफ शुगर केन एंड मेज लेकिन मेज के लिए आप कह लें कि हिस्टोरिकली क्या हुआ देयर इज More area is used, more area is used to carry out the cultivation of maize. लेकिन जो आपके पास sugar cane है, उसमें भी आप कहेंगे कुछ तो increase आया, लेकिन that increase in relatively less than the increase in area used for maize cultivation. जब हम major crops के reference में discussion करें, तो almost आप कह लें कि जी significant portion of land area is used to carry out the cultivation of major crops. और यहाँ पे जो मेरे पास सबसे top पे एक line indicate हो रही है that is basically the area that is used to carry out the cultivation of major crops or historically ye kya indicate kar raha hai it indicate an increasing trend in the cultivated area for major crops ke in 1990 91 ye jo area tha it is approximately 66 सिक्स परसेंट लेकिन जब ट्वेंटी ट्वेंटी वन और ट्वेंटी टू के रेफरेंस में बात की जाए तो ये एरिया हो गया अप्रॉक्सीमेटली सेवेंटी थ्री परसेंट अब ये जो कल्टी टोटल कल्टीवेटेड एरिया है इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है क्या हाउ मच एरिया इज टू टू कैरी कैरी आउट आउट डिफरेंट द कल्टीवेशन ऑफ डिफरेंट क्रॉप तो अगर मैं बात करूं फॉर इवेंटी ट्वेंटी टू के टाइम पीरियड में तो अप्रोक्सीमेटली थर्टी एट परसेंट ऑफ कल्टिवेटेड एरिया इज यूज टू कैरी आउट द कल्टिवेशन ऑफ वीट और फिफ्टीन परसेंट आप कह लें यूज किया गया टू तो कैरी आउट द कल्टिवेशन ऑफ राइस और सबसे कम जो एरिया यूज किया गया क्रॉप फॉर मेजर क्रॉप वो आपके पास शुगर केन थी जिसके लिए फाइव परसेंट क्रॉप एरिया टू कैरी आउट कल्टिवेशन अब अगर हम इस डेटा को जरा देखें आप के जरा अटेंटिवली देखें तो हम यहां पे एक स्ट्रक्चरल चेंज भी देख सकते हैं विद रेफरेंस टू कल्टिवेशन एरिया अक्रॉस डिफरेंट क्रॉप क्या जी अगर हम बात करें विद रेफरेंस टू राइस एंड कॉटन इन यूर नाइनटीन नाइनटी नाइनटी वन जो मेरे पास एरिया यूज किया जा रहा था फॉर क्राइस राइस कल्टीवेशन दैट इज लेस देन एरिया दैट इज यूज टू कैरी आउट द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन लेकिन हिस्टोरिकली क्या हुआ कि कॉटन के लिए जो एरिया यूज हो रहा था फॉर प्रोडक्शन वो डिक्रीज हो गया और जो आपके पास राइस की कल्टिवेशन के लिए एरिया था वो इंक्रीज हुआ है इसी पैटर्न पे अगर हम प्रोडक्शन की बात करें अक्रॉस डिफरेंट क्रॉप तो यहां पे अगेन क्या है वी आर रिपोर्टिंग प्रोडक्शन यहां पे मुझे क्या है हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वी कैन ऑब्जर्व एन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन प्रोडक्शन विद रेफरेंस टू राइस एंड मेज लेकिन जब आप कॉटन के प्रोडक्शन की बात करते हो तो यहां पे हम कह सकते हैं देयर इज नो इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इनफैक्ट कॉटन के रेफरेंस में देयर इज डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ कॉटन ओवर लास्ट थर्टी ईयर्स अब अगर इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ राइस की बात की जाए तो आप कह देख यहां पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ राइस इज अप्रॉक्सीमेटली के जी वो थ्री थाउजेंड थ्री पॉइंट सेवन मिलियन टनस थी आप कह लें इन ईयर 1990, 91. लेकिन इन ईयर ये मेरे पास क्या होगी अप्रॉक्सीमेटली 9.3 पॉइंट थ्री मिलियन यहां पे मोर जो राइस प्रोडक्शन की yield है ये मोर देन डबल इंक्रीज हो गई इन दीज थर्टी ईयर्स फिर इसी पैटर्न पर अगर आप मेज की बात करो तो मेज में जो प्रोडक्शन है दैट इज मच लार्जर एज कंपेयर टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ अदर क्रॉप्स के 1990 में ये वन मिलियन टन्स थी जो कि इन 21, 22 के टाइम पीरियड में ये हो गई 9.5 मिलियन टनस लेकिन कॉटन के केस में क्या था मैं कह सकता हूं देर इज कॉटन प्रोडक्शन इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट या कॉन्स्टेंट या आप कह सकते हो देर इज डिक्रीज इन कॉटन प्रोडक्शन फिर इसी पैटर्न पर जब हम प्रोडक्शन की बात करें अबाउट राइस अबाउट वीट एंड शुगर केन अगेन वी कैन ऑब्जर्व एन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड शुगर कैन लेकिन जो वीट के प्रोडक्शन में इंक्रीज है इन थर्टी थर्टी फाइव ईयर के टाइम पीरियड के दरमियान दैट इज लेस देन डबल क्या फोर्टीन मिलियन थी इन जीयर नाइनटीन नाइनटी और ट्वेंटी वन के ईयर में ट्वेंटी टू के ईयर में ये मेरे पास क्या होगी अप्रॉक्सीमेटली ट्वेंटी क्या इंक्रीज तो हुई वीट प्रोडक्शन में बट इंक्रीज इज लेस दैन डबल फिर इसी पैटर्न पर अगर हम शुगर केन की बात करें तो यहां पे हम एक इंक्रीज मोर देन डबल ऑब्जर्व कर सकते हैं विद रेफरेंस टू शुगर केन ये 35. 35 मिलियन थी इन ईयर 1990, जो कि इन ईयर 21, 2021 और 22 के टाइम पीरियड में होगी अप्रॉक्सीमेटली 68 मिलियन इसी पैटर्न पर अगर हम मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो so, यहाँ पे भी एक आप सिग्निफिकेंट इंक्रीज ऑब्जर्व कर सकते हो इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान तो इन 1991 ये जो प्रोडक्शन थे इट इज अप्रोक्सीमेटली 15.4 मिलियन टन्स लेकिन इन ईयर 20, 22, 23 ये मेरे पास होगी 52.9 मिलियन कि ये जो इंक्रीज है कि 15 मिलियन से 52. इंक्रीज 15 मिलियन से 52 मिलियन हो गई कि ये जो इंक्रीज है इट इज अप्रोक्सीमेटली टू पॉइंट फाइव टाइम्स इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन इन पाकिस्तान ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड फिर इसी पैटर्न पे अगर हम मीट प्रोडक्शन की बात करें तो हम यहां पे भी एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं देयर इज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन मीट प्रोडक्शन स्पेशली अगर हम बीफ की बात करें तो यहां पे क्या हो रहा है देयर इज इंक्रीज इन बीफ प्रोडक्शन ओवर द पीरियड ऑफ एनालिसिस लेकिन ये जो वीट बीफ की प्रोडक्शन में इंक्रीज आई है इट इज आप कह लें कि अप्रोक्सीमेटली ये टू टाइम्स इंक्रीज हो गई या यूं कह लें कि सेवन सिक्सटी ये पॉइंट सेवन मिलियन टन से हो गई 2.5 पॉइंट फाइव मिलियन टन ऑलमोस्ट थ्री टाइम्स या आप कह लें टू पॉइंट टाइम्स

Is relatively a minor increase as compared to increase in other meat productions. And the meat production mein increase hai, that production is significant with reference to poultry meat. In 1990's time period, mein ye production was 0.15 million tons. But in 2022-23, this production will 2.1 million tons. आप कह सकते हो कि यहां पे अप्रोक्सीमेटली जो मीट प्रोडक्शन में इंक्रीज होगी दैट इज मोर देन नाइन टाइम्स अब इस सारी डिस्कशन में हम एक चीज तो ऑब्जर्व कर सकते हैं कि विद रेफरेंस टू इंपॉर्टेंट जी कॉटन शुगर केन राइस व्हीट एंड मेज ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली सेवेंटी थ्री परसेंट ऑफ टोटल क्रॉप एरिया यूज हो यूज कर रही थी ट्वेंटी 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 टू और यहां पे जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स हैं वो मुझे एक और चीज भी इंडिकेट कर रहे हैं कि सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ हैज बीन चेंज्ड ओवर टाइम कि जो आपकी लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन है इट इज एक्सपेंडिंग एट मच रैपिड रेट एज कंपेयर टू एक्सपेंशन इन क्रॉप सेक्टर कि जो आपके पास सोर्स ऑफ ग्रोथ है इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर दैट इज शिफ्टिंग फ्रॉम एग्री फ्रॉम द क्रॉप सेक्टर टू लाइफ स्टॉक सेक्टर